अस्सलाम वालेकुम पाक विलर्स, मेरा नाम है सुनील माजी और मैं पाक विलर्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब मेरे साथ तलत हुसैन साहब मौजूद हैं, हमारे लिए एक इंस्पिरेशन भी हैं, मैं इनका बहुत बड़ा फॉलोअर भी रहा हूँ और मेरे लिए एक जो है बड़ी खुशी की बात है कि मैं उनसे मिल रहा हूँ और एक गाड़ी का हम उनका आज रिव्यू कर लेंगे। तलत भाई बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मुझे बताइएगा हमारे यूजर्स के लिए बताइएगा कि आपकी गाड़ी का मेक मॉडल और वेरियंट क्या है। देखिए जी, ये किया सोरेंटो है, ठीक है, और फुली लोडेड। और 2021 या 22 कब लिया आपने? ये मैंने लिया जी 2022 में। ठीक है, तो किया सोरेंटो फुली लोडेड मतलब 3.5 लीटर जो फ्रंट व्हील ड्राइव आती है इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट V6 इंजन के साथ। जी बिल्कुल। बड़े ने ज्यादा नहीं दे दिए? अच्छा चलो दो कट कर लेने। हाँ, अच्छी प्राइस चाहिए? हाँ भाई। तो अभी पार्क व्हील्स पे एड लगाओ और गाड़ी बेचो बेस्ट प्राइस पे। और आपने इस साल ली? इस साल लिए मैंने और हादसाती तौर पे लिए मैंने। ठीक है, मैं अगला सवाल ये बोलने लगा था कि हमेशा लोगों से पूछते ये होते हैं कि जब आपने गाड़ी लेनी थी तो आपके जेन में या तो एक बजट होता है या एक गाड़ी होती है कि यार मैंने इतना होंडा ले, कहते ना होंडा ही लेसा और आप भी होंडा मुझे पता पहले चला रहे थे दो थी, तो आपने होंडा ही लेसा क्यों नहीं किया? व्हाई डिड यू मूव? या आप उन लोगों में से जिसना हमारे यहाँ पे मुल्क में आजकल एक पूरी ग्लोबली वैसे एक तो हवा चली हुई है कि क्रॉसओवर और एसयूवी की मार्केट बहुत चल रही है, तो आपने कहा कि चलो यार मैंने होंडा चला ली तो मैं क्रॉसओवर पे चलता हूँ? मैं फ्रेंकली ऐसी कोई भी कंसिडरेशन नहीं थी। मैंने दोनों गाड़ियाँ दो दो साल चला ली थी, तो अमूमन मैं दो अढ़ाई साल के बाद गाड़ी तब्दील करता हूँ, तो दोनों मैंने बेच दी। सही है, मेरे पास कोई 60-70 लाख के करीब रुपए बच गए। ठीक है सर। मैंने कहा जी मैंने गाड़ी लेनी है, तो घर में बात थी, उन्होंने कहा जी कि हमेशा हम एक ही किस्म की गाड़ी लेते हैं, होंडा 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 लेसा, वो होंडा ही लेते रहे ऐसे, इस वक्त होंडा नहीं लेनी। अच्छा उस वक्त जो है वो MG का नाम चल रहा था। ठीक है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं काशिफ अब्बासी जी, जी उन्होंने कहा जी कि सर जी तुसी MG लेनी। ठीक है। मैंने कहा चलो MG ले देते हैं, तो मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया जो पहले किसी जमाने में इंडस मोटर के साथ होता था। ठीक है। तो मैंने कहा जी मैं तो MG लेनी, उन्होंने कहा तू MG नहीं लेनी। ठीक है। तो आई किया चेक कर, मैंने कहा यार मैंने तो कभी किया देखी नहीं कैसी कंपनी, मैंने कहा मैं किया तो नहीं दिला किया नहीं देखी कि कैसे ले चले, कहता जो उधर चला जा जाके इनके शोरूम में जाके गाड़ी देख ले पसंद आए तो ले ले। अच्छा मैं शोरूम में गया, मैंने अच्छा इत्तेफाक की बात है कि उन दिनों मैं एक चैनल को ज्वाइन कर रहा था नियो को, तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप एक स्पोर्टेज हम आपको दे रहे हैं। आई हैड नो क्लू कि स्पोर्टेज क्या, वो डिलीवर नहीं हुई थी तो मैंने कोई ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं था। खैर मैं वहाँ पे गया, मैंने ये गाड़ी देखी और मुझे इसका साइज बहुत अच्छा लगा, चाहिए 7 सीटर का पता चला तो मुँह में पानी भी आया जी कि अच्छी है। और फिर मैंने जब उसको ड्राइव करके देखा जी कंफर्ट लेवल मुझे उसका बहुत ही अच्छा लगा। सही है। और चूंकि आम जो होंडा लेसा वाले जो हैं वो थोड़ा सा एलिवेटेड फील किया ना, तो लगा कि आप बड़ी गाड़ी में बैठे हुए। बिल्कुल ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें और फिर साउंड प्रूफिंग इसकी। सही है। मतलब मुझे ये लगा कि जैसा बिल्कुल मैं GT रोड से उतर के ना शीशे ऊपर करता हूँ तो मैं वोटर वेव पर आ जाता हूँ, साउंड ही कम हो जाती है। और ये चीज़ें मैंने देखी, प्राइस रेंज एक्सेप्टेबल थी तो मैंने ओके कर दी। सो यानी आप उन लोगों में से जो फ्रेंड्स एंड फैमिली की सजेशन पे यहाँ पे लैंड किए? जी मैंने लैंड किया एंड आई डू नॉट रिग्रेट इट। अच्छा बाय द वे बीच में किसी ने फॉर्च्यूनर भी पॉप अप किया। सही है। तो वो फिर मैंने देखा जी कि वो उसकी बॉडी बड़ी है लेकिन वो कोई उसका कंफर्ट लेवल को मुझे ठीक नहीं लगा। ठीक है। और लगती है इम्प्रेसिव है बहुत ज्यादा, वो V8 की तरह लगती है, शशका पूरा है, लेकिन फ्रेंकली जो उसकी पावर है मुझे I did not feel enough power in my legs when I was accelerating. सही है। तो this is the one. ठीक है। तो मुझे अब ये पूरी इस चीज में समझ ही आया कि एक तो पहली चीज, एक और चीज मैं क्लियर कर लूँ, तो आपके दिमाग में एक था कि हमेशा होता था शुरू में अगर आपको याद हो कि मुझे लगता है मेरी आपकी उम्र एक जितनी है कि पहले होता था कि अमेरिकन को गाड़ी बनाना आती है, फिर जापानी आए तो लोगों ने कहा नहीं नहीं ये तो फेम ची कॉम है नहीं आती, फिर जापानियों ने अपना लोहा मनवाया, देन कोरियंस आए तो लोगों ने कहा नहीं ये चिपटे तो गाड़ी नहीं बना सकते, अब चाइनीज के बारे में। तो आपके जहन में एक था कि यार ये कोरियन गाड़ी मैं ले रहा हूँ एज अपोज टू आई हैव ऑलवेज केप्ट, आपने पहले जो भी रखे हुए जापानी जो थे ना कंपनीज थी, तो आपके जहन में ये नहीं आया कि यार ये कोरियंस की गाड़ी कैसी होगी? अच्छा मेंटली जो है ना अगर आप देखें तो मेरे जो बड़े बुजुर्ग थे वो सारे शेवरलेट फोर्ड वगैरह ये चलाने वाले अमेरिकन थे बिल्कुल, तो लेकिन उसके बाद जब वो टोयोटा और होंडा आए तो हमने ईस्ट की तरफ तो वैसे गियर शिफ्ट कर लिए थे। चाहिए। तो वही ईस्ट एशिया है जिसके अंदर से अगर जापानी बना रहा है तो कोरियंस भी उनके साथ कहीं है। तो और कोरियन टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने ज़रा बंदा इधर उधर से सुन भी लेता है पढ़ भी लेता है, तो टेक्नोलॉजी उनकी बहुत अच्छी थी। फिर मैंने इसका वैसे आपस की बात है मैंने इसका रिव्यू भी किया, वो जर्नलिस्टिक थोड़ी सी होती नहीं ठहर के आप देखें, तो मुझे पता चला जी कि इसकी जो रिलायबिलिटी है वो एक्सेप्शनल नहीं है
मेरे ख्याल में पता नहीं 70-78 इसके नंबर हैं। सही है। वो लेकिन है अबव एवरेज और गुड रिलायबिलिटी है। ठीक है। तो दूसरी जो नॉन कोरियन कार्स हैं उनके साथ कंपेयर भी ठीक करती है, इवन कोरियन कार्स के साथ अच्छा कंपेयर करती है। सही है। तो मेरे ख्याल में आप तो जिसके पास टेक्नोलॉजी है ना जी, बेशक वो काला है, पीला है, नीला है, चिट्टा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी इज द ड्राइवर। बिल्कुल ठीक है। सो उस लिहाज से आपने कहा कि ठीक है। बाकी इस पूरे सफर में आपको कहीं पार्क विल नहीं मिला? मैं बड़ा परेशान हूं यार, दोस्त मिल गए, आपने इधर उधर देखा, पार्क विल कहीं नहीं नजर आया। वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई एम नॉट रिटर्निंग द कॉम्प्लीमेंट। आई थॉट के पार्क विल इज टू बिग अ ब्रांड फॉर मी टू एक्चुअली बी टॉकिंग टू देम एंड सेइंग यार मैंने सोरेंटो लेनी है कोई और नहीं। लेकिन यू कैन टॉक टू आवर रिव्यूज, एनी आपने रिव्यू देखे हमारा? मैंने आपके रिव्यूज देखे, मैंने रिव्यूज से भी बहुत कुछ सीखा। और जब बताया जा रहा था ना जी कि इसके इनर फंक्शंस क्या हैं, वो सारे के सारे मैंने आपके रिव्यूज से। अच्छा, ये मैं अभी आपके इनर फंक्शन यूज कर रहा हूँ। तो आगे से आगे बात चलती जा रही है यार, आप तो बड़े मतलब इजी आदमी हैं जिनसे बंदा रिव्यू करे, आप खुद ही सारा कुछ बता रहे हैं, अच्छी बात है। ये बताएं कि एक तो ये V6 है, इसकी पावर अनमैचेबल है, इसके तीन वेरियंट जो आते हैं 2.4 फ्रंट व्हील, 2.4 ऑल व्हील और 3.5 V6 जो है, मेरी फेवरेट वेरियंट यही है, मैंने ली, हालांकि सबसे सस्ती वाली थी क्योंकि पैसे कम थे उस जमाने में। ये लॉन्च हुई थी 85 की, और मेरा ख्याल आई एम नॉट रॉन्ग आपने ली है रिड्यूस प्राइस 76 जी, 76, ठीक है। उसमें ऑप्शन सेट भी अगर देखा जाए तो अब आपके पास घर पे क्योंकि स्पोर्टेज भी है तो मैं थोड़ा उससे लिबर्टी लेके कंपेयर कर लूंगा। एक तो ये साइज में बिगर है जी, बड़ी है बिल्कुल। मैं ये हमेशा कहता हूँ छोटा भाई बड़ा भाई है, बिल्कुल। तो आप देखें तो उसी डैशबोर्ड को थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, लेग रूम बढ़ गया है, 7 सीटर हो गई है। पावर के लिहाज से आप इसको अगर कंपेयर करें दिस वर्सेस स्पोर्टेज, विच वन डू यू थिंक? इसका सर एक्सेलरेशन इज रिमार्केबल। मतलब अब मुझे लाहौर बहुत जाना होता है, लंबा सफर करना पड़ता है, तो अनबीटेबल, ठीक है। वो तो कम्स विद V6 और 3.5, लेकिन पेट्रोल एवरेज को अगर कंपेयर करें, जो आजकल एक मतवस्त तबके के जिंदगी के लोगों का सबसे बड़ा सवाल होता है कि पेट्रोल एवरेज की, उसकी बेहतर, ठीक है, वो क्या देती थी और ये क्या देती है? मेरे ख्याल में वो 9 देती है या 10 देती है, ठीक है, ये जरा कुछ 8.5 के करीब देती है, 8 देती है ये लॉन्ग पे जी, लॉन्ग। और शहर में 7? शहर में मैंने कभी नोट नहीं किया अभी, और मैं इतना सारा शहर में मेरा ख्याल है ये आपको 7 देगी, वो 9 देगी, ये लॉन्ग पे आपको दे देगी 8.5, मैक्सिमम 9 पे चली जाएगी, वो 10-11 जाती है, ठीक है। अच्छा, और इसके चीदा फीचर जो कि आपको बड़े कन्वीनियंट लगे यार, मैं यूज करता हूं, वो आपने जब इसके रिव्यूज डाले ना तो फिर मुझे तो फ्रेंकली पता नहीं था कि ये इसका चार्जर जो है एंड्रॉइड भी है और एप्पल भी है। तो मैंने कहा यार कि क्या बातें कर रहे हैं कि इधर चार्जर है। अच्छा, वो मैं चूंकि एप्पल यूजर हूँ तो मैंने फिर फोन ट्रोन करके लाइट आई इधर, तो मैंने पहले देखा, मैंने कहा यार चार्ज हो रहा है कि हो रहा है। अच्छा, इसको खास एंगल पे रखना पड़ता है तब ये चार्ज होता है, और जब ये चार्ज हो रहा होता है तो ऑरेंज लाइट भी आ रही होती है, ऑरेंज लाइट भी आ रही है। मैंने तालीम थोड़ी सी करके सीखा, मुझे बड़ी बात बता रहा है। एक ये था, अच्छा आई लाइक द स्क्रीन एज वेल, ठीक है। ये अब 8 इंच की स्क्रीन है, 8 इंच ही है ना कि 6 इंच? और इसमें वो भी एंड्रॉइड ऑटो भी है और एप्पल कार प्ले भी, आप इसके अंदर अपना पूरा मैप चला सकते हैं, बिल्कुल मैप चलता है। और चूंकि मैंने अब ड्राइव ज्यादा शुरू किए हुए तो मुझे मैप से बहुत मदद मिलती है, और एंगेजमेंट भी अच्छी है। अच्छा, फिर इसके अलावा ये सिंक विंक तो इसका लगा ही हुआ है, एसी इसका बहुत अच्छा है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, और पीछे तक जाता है। अच्छा, मेरी जो थर्ड रो बड़ा जरूरी है, थर्ड रो मेरी छोटी बेटी है, उसने क्या किया जी, उसने कहा जी कि मेरे पास तो ये अपना जो है ना अब ये छोटा सा स्पॉट आ गया, तो वो सीटों को फ्लैट करके ना वहां पे अपनी डॉल्स रख के एसी चला के कहते दिस इज माय ओन एसी रूम, बिल्कुल सही है। तो वो एक एडिशनल एडवांटेज था। बाकी बेटी ने पास कर दी, फिर तो दुनिया में उससे आगे कोई चीज रही नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसने एसी और बैक एंड के ऊपर उसने पास किया, ठीक है। अच्छा, क्रूज कंट्रोल इसका जो है वो आप उसको लॉन्ग पे यूज किया आपने? जी, क्रूज कंट्रोल किया, बट आई कुडंट फिगर इट आउट, बट देन मेरे दोस्त ने बताया कि क्रूज करें सो बड़ा फायदा होता है। मतलब आपको जो है ना बार बार बॉदर ही नहीं करना पड़ता, फिर ये भी नहीं होता कि अगर आप ज्यादा एंग्जाइटी में हैं तो 140 पे चले जाएंगे, सही है, चलान हो जाएगा। हाँ हाँ। तो क्रूज कंट्रोल इज रियली गुड, ठीक है। एसी भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, क्रूज भी अच्छा है। कोई ऑप्शन जो आप मिस करते हो? देखिए, इंसान जब भी गाड़ी लेता है ना, इंसान की ख्वाहिशें तो लामत रही है ना, वो कहता है ये भी आ जाता है, ये भी आता है, मैं कहता हूँ मसाजर सीटें भी हूँ। कोई चीज मिस करते हो यार, इतने पैसे खर्चते हैं तो इसमें ये भी दे दो तो क्या ही बात है? मेरा तो ख्याल है मैं तो काफी शुक्रगुजार हूँ ये चीजें क्या हम उस जमाने से आते कि सीट बेल्ट नहीं होती थी। मैं तो लोगों को बताता हूँ, पाकिस्तान में लोग कहते हैं जी ऑटो मैन्युफैक्चरर ऑप्शन नहीं देते। ओ भाई जी, वो 1000 रुपए आपके जो दोस्त है ना मीडिया वाले, जब टीवी पे बुलाए ना, आप बताए ना जी ऑटो में वाले कोई ऑप्शन नहीं देते। मैं कहता मामा केड़ी ऑप्शन नहीं देते, पहले तो लेफ्ट हैंड वाला शीशा नहीं देते थे, हाथ से दुरुस्त करते थे, यूं यूं करके आपको पता ही नहीं, मेरा 50 रुपए का लगवाना पड़ता था, सीट बेल्ट नहीं होती थी, और आपको वो जो शीशे ऊपर करने पड़ते थे ना, वो पूरा जोर। तो ये देखे ना पैनोरामिक रूफ, तो ऐसा लगता है फ्री में गिफ्ट आ गया। दिस इज अनदर थिंग जी, ये बहुत ही जबरदस्त, माय डॉटर लव्स इट एंड इट्स अ एक्सटेंडेड वन। सर, वैसे अगर आप कल को सियासत में जाएं तो आप भी यहां से निकल के वोट भी मांग सकते हैं। यहां से निकलने के नुकसान भी होते हैं, बेनजी भुट्टो को याद रखिएगा। तो इसको इसको तो
आप यहाँ से निकल के जो है ना सर बोर्ड भी मांग सकते हैं, लेकिन पैनोरामिक सनरूफ जो है अच्छा। इसके जो आपको बच्चों के अलावा, अगर खैर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो आपको तो यूज होता होगा। आई लव इट जी, इस्लामाबाद का वेदर जो है वो जब भी हम ऊपर जाते हैं हिल्स में तो ये इसको खोल के जाते हैं। सही है, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अच्छा इसमें अगर आप देखें जो इसके सेंसर्स हैं ना जी, वो बड़े हेल्पफुल हैं। ठीक है। अच्छा जब ये टाटा शुरू करती है, लाहौर में चलाते हैं हर वक्त टाटा करती है। लाहौर में तो टाटा बंद हो जाता है, नाले बूढ़ी कर ली है टाटा कर रही है, घोर आ गई तो वो क्योंकि इतने करीब से लोग जा रहे होते हैं। मैंने पिछले दिनों उसके वहां से आपस की बात है, ये बटन है ये आपको बता दो, ये आप सिग्नल पे लाहौर जाए ना ये दबा दें फिर टाटा बंद हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि टाटा होती रहे, क्योंकि दाता दरबार गया ना पिछले दिनों, वो इतनी टाटा हुई मैं क्या यार गड्डी मेरी हूं बजी के हूं बजी, पर इट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव। ठीक है। पार्किंग जो है वो बहुत इसकी इंटेलिजेंट पार्किंग है। तो ये सारे गैजेट्स जो है ना, आपकी बात काट रहा हूँ सॉरी, इंसान को ना बड़ा तन आसान बनाते हैं। पिछले दिनों मैंने एक गाड़ी चला रहा था, उसमें ना रिवर्स कैमरा नहीं था। मैं अपने घर के अंदर नई करोला है 2015 की, मैंने पीछे दरख्त में मारी ठा करके। अब मैं सोच रहा हूँ मेरे जिंदगी में कभी गड़ लगी हुआ क्या, और जब गाड़ी में बैठा मुझे पता है दरख्त है पीछे। लेकिन आपको एक जो है ना जरा हमें गूगल मैप की आदत नहीं होगी, रास्ते याद नहीं होते, अब वो इतनी तन आसानी हो गई हुई है कि ये जो चीजें ऐड जरूर करती है, और आई एक्चुअली थिंक दे आर वंडर्स। और बिलखसूस इसमें तो अगर आप देखें तो जो डायरेक्शन है इसकी वो बड़ी बड़ी प्रिसाइज है, तो इनर और आउटर सर्कल्स दोनों इसके रिवर्स के लिए और पार्किंग के लिए, एंड आई लव दैट। मेरी जो पार्किंग कॉम्पिटेंस जो है ना जी, उसके ऊपर सवालिया निशान हमेशा रहा है। तो जब से ये मेरा हाल है, मेरी अंग्रेजी और आपकी पार्किंग कॉम्पिटेंस मुकाबले में चल रहे हैं दोनों। आपके आप अंग्रेजी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो लेकिन पार्किंग मेरी जो है ना जी, वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। ठीक है। अच्छा अच्छा जी, जो अभी चाइनीज गाड़ी आई है मार्केट में, उनमें बहुत से ऐसे फीचर हैं, ऐसे फ्रिल्स हैं कि एडास जिसको बोलते हैं एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस, जिसमें आपको बहुत से ऑटो ब्रेकिंग मिल जाती है, अडैप्टिव क्रूज मिल जाता है। कभी दिल करता है कि ये भी हो जाता तो बहुत अच्छा। सर मैंने चूंकि वो चलाई नहीं है, लेकिन मैंने उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। देखें जी, एवरीथिंग हैज टू कम टुगेदर। सही है। इंडिपेंडेंट फीचर्स तो सारी गाड़ियों के ठीक ही होंगे। सही है। लेकिन दे हैव टू कम टुगेदर एज अ ग्रेट प्रोडक्ट। हाँ, पूरी पैकेज होगी। अगर होगा जी वो खाली ऑटो ब्रेकिंग कर ले और उसकी फ्यूल एवरी सात हो, ये तो फायदा कोई नहीं। इसमें मुझे लगता ये है, जो है वो कहते हैं कि अपनी देह को खट्टा कोई नहीं कहता, स्पेशली अगर आपने पैसे लगाए हुए हो, तो मैं तो उसको खट्टा नहीं कहूंगा। लेकिन इवन अदरवाइज आई थिंक ये इसका पैकेज बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा इसकी कितनी चल गई अभी? 10,000। मेंटेनेंस किया से कराते हैं? किया से। क्या कॉस्ट आती है एक एवरेज ऑयल चेंज की? ऑयल चेंज की मेरे ख्याल में हमने लास्ट टाइम जो पे किया था कुछ 8,000 या इतने, 7,000-8,000-10,000 इतना, जो कि 5,000 किलोमीटर बाद होता है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, कोई ज्यादा नहीं है, मतलब 1.30 रुपए के करीब पर किलोमीटर बना, विच इज नॉर्मल टोयोटा होंडा में भी ये था। जी बिल्कुल यही था। और दूसरी बात ये कि आपने गाड़ी स्पेशली अगर आप उसको ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस भी ठीक ही रखनी चाहिए। चाहिए तो उसमें तो मैं बिल्कुल डंडी नहीं मारता। अच्छा मैंने देखा कि आप मेरे टाइप के आदमी, पाकिस्तान में तो लोग यार गाड़ियों के ऊपर पनिए नहीं उतारते, आपकी गाड़ी में कहीं स्टिकर स्टूकर नहीं लगा? सर मेरे घर में कोई चीज आ ही नहीं सकती अगर उसके ऊपर से पन्ना ना उतरा। ये शोरूम में से निकलने से पहले मैंने पन्ने उतार दिए थे। नहीं नहीं, क्यों वजह? हमारे यहाँ पे तो लोग कहते हैं 20 साल फोन यूज कर रहे हो, पन्नी लाके अखबार से बेचने अगले अगले सामने। और सर मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जो रेवन की ऐनक लगाते हैं, उसके ऊपर स्टिकर लगाया हुआ होता है। और मेरे एक ऐसा जानने वाला भी है जिसने नया कोट लिया था तो उसका टैग नहीं उतारा था। बट लीविंग दैट असाइड, मेरे घर में कोई चीज पन्नी वाली आ नहीं सकती। तभी मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी की ना पहली दफा पूरी पूरी शेप नजर आ रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों ने वाइट स्टिकर इधर उधर लगे। मैं वैसे कहता हूँ यार, जिन लोगों ने ये चीजें बनाई है ना, वो हमसे कहीं ज्यादा वाइज है। सही तो है। अगर उन्होंने पन्नी के बगैर इसको कहा हुआ ना तो पन्नी उतार ही दो। और सर मैं अभी आज आते हुए आपकी तरफ आता, मैं पुरानी गाड़ियों का शौकीन हूँ, मैं 2008 मॉडल की गाड़ी में आया था और मैं उसकी वुडन टीक देख के खुश हो रहा था कि क्या इन्होंने चीज बनाई है, 14-15 साल हो गए अभी तक उसकी ऐसी शाइन है कि कमाल ही है। जो ओरिजिनल चीज है ना जी, उस विजडम को हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आप उसको यूज करके अपनी यूटिलिटी की असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से चीजें ऐड नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। आई एम फ्रैंकली वेरी हैप्पी विद इट। अच्छा सीट की जो एडजस्टमेंट है वो उसकी बहुत अच्छी है, तो लॉन्ग ड्राइव के अंदर उस वाली सीट में लंबर स्पोर्ट भी होगी। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो लॉन्ग ड्राइव के लिए तो बहुत अच्छी है। और चूंकि मैं थोड़ा सा हाइट मेरी जरा ज्यादा है तो मुझे अक्सर ही एडजस्ट ज्यादा करना पड़ता है। सही है। और बाकी थोड़ा सा भी हम निस्बतन अनइवन रोड के ऊपर जा रहे हैं तो आपको जो है ना वो जर्क्स फील नहीं होते हैं, सो कंफर्ट लेवल इज प्रीटी गुड। सो आई सपोज मैंने जीटी रोड पे इसको ड्राइव नहीं किया कि जीटी रोड के ऊपर मोटरवे के ऊपर इट विल बी इक्वली इफेक्टिव। हाँ है, लेकिन वही मैं कहता हूँ कि अगर जब इस टाइम पे जीटी रोड हमारे उस सेट में है ही नहीं और हम यूज़ नहीं करें, और हम अपनी हमारे यही बड़ी चीज़ें से हमें बात करते हैं, लोग संभाल के रखते हैं दूसरे के लिए,
आपने अपनी यूटिलिटी के लिए देखना है. अगर आप मोटरवे पे ट्रैवल करते हैं, कार इज गुड ऑन मोटरवे, देन व्हाई डू यू वांट अ ब्रांड जिसके शायद ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, इसलिए कि जो कच्चे पक्के में भी चली जाती है. सर आम ही बड़ी अच्छी चलती है, मैं सर आदमी भी जाना तो है नहीं, तो मैन की लगे कि चंगी है या नहीं. बिल्कुल ऐसे में तो आपके अपने जो गिवन सेट था उसमें ये बेहतरीन डिसीजन था और आप आज भी कहते हैं यार मैं खुश हूं. बिल्कुल जी, मैंने पिछले दिनों किसी दोस्त ने मुझे लैंड क्रूजर दिखाई तो यार मेरी पहुंच से कहीं 3 करोड़ जो है वो किधर, तो मैंने कहा वैसे ले आया. हाँ, ये यहाँ पे एक पाकिस्तानी तो ठरक तो होती है ना, चीज लेनी नहीं हो लेकिन देखनी जरूर है. सही है. तो उसने मुझे दिखाई, 2000 किलोमीटर चली हुई थी और वो 2 करोड़ 92 लाख वे बियॉन्ड दिस. अच्छा मेरे जिन में के 6 ले लो हर कलर से. देखे आप देखे, मैंने मेरे जिन में यकीन माने यही आ रहा था मुझे बार बार जो है ना, मैं यार 3 ले लवा मैं इसे, एक वाइट एक ब्लैक. तो मैंने उसको हाथ जोड़े, मैंने कहा यार तो प्रोडक्ट आपकी अच्छी है. अच्छा मैंने ये भी देखा कि जब उसके मैं अंदर बैठा ना जी, तो आई डिडंट फील द बैलेंस इसके अंदर. मुझे लगता है कि जो मुझे नजर आ रहा है ना, मसलन मेरे जो लेफ्ट साइड के ऊपर जो इसका हुड है, हाँ जी, वो पूरा मेरी नजर के अंदर, मुझे पता है कि मैंने इसको ओवरटेक करते हुए या पार्क करते हुए क्या नजर आना. वो जो लैंड क्रूजर मुझे लगा वो बहुत बड़ा है. घर पहुंचो तो आधा साह चढ़े गड्डी साम के आ रहे हैं तो उसका फायदा कोई नहीं. मतलब थिंग्स आर सपोज्ड टू बी योर आपकी अपनी सहूलत के लिए, ना ये कि आप उनको संभाल रहे हो. आई एग्री विद यू. तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा आपका वाइज डिसीजन था एंड आई थिंक इस रिव्यू से काफ़ी लोगों ने काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में हासिल की होगी. जब क्योंकि जब गाड़ी शुरू में आई थी तो इतनी वेल रिसीव नहीं थी मार्केट में, फिर उनकी प्राइस क्योंकि मुझे लगता था थोड़ी ज़्यादा थी, उन्होंने प्राइस कम की और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पिकअप करना शुरू हो गई, एक रीज़न होता. अच्छा आखिरी सवाल, एक चीज़ लोगों को इस गाड़ी में बड़ा एतराज़ था कि जी दुनिया में एक जनरेशन पुरानी है, आपने ये सोचा था? मैंने तो नहीं सोचा जी, मैं तो खुद कई जनरेशन में तो पुराने इसलिए मैं आपने मेरा जवाब ही प्रीएम्प्ट कर लिया. मैं ये कह लगा ऐसे कि पुराने हैं बंदे ने यही चीज गल्ला नहीं सोचनी चाहिए, ये यंगस्टर के लिए होता है कि नया वाला जनरेशन चाहिए. एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक है. व्यूअर्स ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा. अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, कमेंट सेक्शन पे अपने राग से आगाह जरूर करते रहा करें. हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेके अपनी वीडियोस को पहले से बेहतर बनाएं. आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाकलों का ख्याल रखिएगा. शुक्रिया.